हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे सब लोग? आई होप यू ऑल आर लर्निंग गुड स्टफ फ्रॉम अस एंड कीप लर्निंग, कीप हैप्पी। वंस अगेन वेलकम यू अगेन इन आवर ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स सोच। मेरा नाम अंकित। लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ वेरियस स्टैंडर्ड शेप। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेमी सर्कुलर आर्क। काफी बच्चों को पता होगा लेकिन मे बी फ्यू स्टूडेंट्स डोंट नो सेमी सर्कुलर आर्क। यू राइट डाउन सेमी सर्कुलर आर्क। इसका आपको अगर सेंटर ऑफ मास है, कभी क्वेश्चंस में क्या होता है मिक्सअप करके देता है। मतलब कभी सेमी सर्कुलर को आपको ऐड कर दिया हेमिस्फीयर के साथ, ठीक है? तो मिक्सअप क्वेश्चन में आपको दिक्कत आता है, इसलिए मैंने आपको बताया कि इनका सेंटर ऑफ मास आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल सेमी सर्कुलर आर्क इस तरीके से है और ये इसका सेंटर है और ये क्या है आपका रेडियस। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा सेमी सर्कुलर आर्क का, इट इज यहाँ होगा। सेंटर से कितना डिस्टेंस ऊपर होगा? परपेंडिकुलर सेंटर। एंड इट इज एट अ डिस्टेंस का कोऑर्डिनेट क्या होगा? अब देखो सेंटर पे मैंने यहाँ एक्स मान लीजिए, इधर वाई मान लीजिए, ठीक है? तो सेंटर का इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा कहाँ होगा? 0.2r/π, 2r/π। दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क। इन द सिमिलर वे आपका जो सेमी सर्कुलर डिस्क होता है, आपका सेमी सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क में बना रहा हूँ आपका ये मान लीजिए। देखिए फिगर पे जाइए, फीलिंग्स पे जाइए, इस पर फिगर पे मत जाइए क्योंकि मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है थोड़ा सा। बस याद रखिए डिस्क है, डिस्क और रिंग में यही फर्क है। आर्क में यहाँ मास नहीं होगा, ये जो आपको इतना एरिया दिख रहा है इधर मास नहीं होगा। इन द केस ऑफ रिंग, वेल इन द केस ऑफ डिस्क देयर इज मास एवरीवेयर, पूरे में क्या होगा मास। तो ये जो आपको इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा ये भी अलोंग कहाँ होगा? ये भी अलोंग सेंटर ऑफ मास के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। ये आपका एक्स हो गया, वाई हो गया, यहाँ आपका सेंटर ऑफ मास होगा। इसका जो कोऑर्डिनेट आपको याद रखना है दैट इज 0.4r/3π। व्हाट इज आर? बच्चों ये आर इसका क्या रेडियस है? रेडियस, ठीक है? ये हो गया आपका सेमी सर्कुलर आर, सेमी सर्कुलर डिस्क का। इन द सिमिलर वे आपका क्या रहता है? आपका हेमिस्फेरिकल बाउल। बॉल देखिए, बॉल एक बड़ी सी बॉल को आपने क्या करा? कट कर दिया, तो एक बन गया मान लीजिए हेमिस्फेरिकल बाउल कुछ इस तरीके से। ये क्या है आपका, यहाँ लिख देते हैं, दिस इज हेमिस्फेरिकल बाउल। हेमिस्फेरिकल बाउल कह लीजिए या शेल कह लीजिए, क्वेश्चन में कहता है ऐसे ही आपसे, हेमिस्फेरिकल शेल और बाउल। इनका जो सेंटर ऑफ मास होता है, इनका भी सेंटर से ही कंपेयर करते हैं, सेंटर से ही आपको सब कुछ डिसाइड होता है। ये सेंटर ही आपका क्या है, सेंटर को ओरिजिन मान लेते हैं। ये आपका सेंटर ही आपका एक्स एक्सिस है, ऊपर वाई एक्सिस है। सेंटर ऑफ मास ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल लाइज एट एट r/2 पे लाई करता है अलोंग वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0.r/2, यानी r/2 डिस्टेंस इतना क्या हो गई? r/2 हो गई। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0.r/2। सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा इसका? r/2 अलोंग वाई एक्सिस। क्लियर क्लियर बच्चों? अब हम बात करते हैं सॉलिड हेमिस्फीयर का। देखो ये हॉलोस्फीयर था, मतलब यहाँ भी क्या है, इनसाइड मास नहीं था, कोई मटेरियल नहीं है। लेकिन अब मैं बात करूंगा आपका सॉलिड हेमिस्फीयर। सॉलिड हेमिस्फीयर में याद रखना कि जो सॉलिड हेमिस्फीयर होता है उसके अंदर मास होता है। ये मान लीजिए बड़ा सा सॉलिड हेमिस्फीयर मैंने बना दिया, डिस्क मत समझ लेना इसको, ठीक है? डिस्क अलग होता है और इसके अंदर भी क्या है, सॉलिड हेमिस्फीयर, इसमें भी मास है, इनसाइड क्या है, मास, ठीक है बच्चों? तो ये जो आपका सॉलिड हेमिस्फीयर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपको, आपके लिए, दिस इज सॉलिड हेमिस्फीयर। सॉलिड हेमिस्फीयर में क्या रहता है यहाँ पर आपका, जो आपका सेंटर ऑफ मास रहेगा वो कहाँ रहेगा? 3r/8। सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा आपका? 0.3r/8। ये आपका क्या रहा सेंटर, इसके कोऑर्डिनेट 0.0, दिस इज आर। कोऑर्डिनेट कहाँ रहेगा आपका? 0.3r/8। सेंटर ऑफ मास आ गया इसका। इसी तरह आपका हॉलो कॉर्न रहता है, कौन समझते हो? जो सॉफ्टी कॉर्न आपने खाया होगा वो ही चीज है, ये आपका हॉलो कॉर्न है। एक होता है सॉलिड कोन,
ये आपका सॉलिड कोन है, ठीक है, याद रखना ये सॉलिड कोन है, ये आपका हॉलो कोन है। तो और कोन में क्या होता है आपको पता होगा, ये सॉलिड कोन है तो इसके अंदर पूरे में क्या होगा, या मास होगा या मास नहीं होगा। फॉर हॉलो फर्स्ट सबसे पहले बात करेंगे हॉलो कोन का, दिस इज हॉलो कोन, राइटिंग है जस्ट मिनट, हॉलो कोन, हॉलो कोन का बेटा जो सेंटर ऑफ मास होता है वो ये इसका क्या हो गया सेंटर, ये आर हो गया। उस आपको पता है कोन का बेस जो होता है सर्कल होता है, ये सर्कल होता है ना, और इसमें क्या होता है कोन का अपना कुछ ना कुछ हाइट होता है एच, और इसका स्लांट हाइट ही होता है, ये स्लांट हाइट। तो ये इसका भी क्या होता है सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा, अलोंग वाई एक्सिस रहेगा, ये आप एक्स मान लीजिए ये वाई मान लीजिए, तो डिस्टेंस क्या रहेगा इसका, ये भी h/3 पे होता है, यानी अपनी हाइट के 1/3 डिस्टेंस पे इसका क्या रहता है सेंटर ऑफ मास 0, h, h/3, यहाँ लिख देता हूँ मैं, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा 0, h/3, क्लियर। फॉर ये सेंटर दिस इज आर एक्स वाई, इसका जो रहेगा आपका सेंटर ऑफ मास, याद रखना ये सी सेंटर ऑफ मास नहीं है, ये इस जो नीचे जो सर्किल है उसका उसका सेंटर है, ठीक है, वो सेंटर होता है ना आपने पढ़ा होगा सर्किल में, वही चीज है। हमने हमको क्या हमको याद रखना कि सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए एक फिक्स पॉइंट चाहिए होता है, इसीलिए ये क्या हमारा सी, ये सी फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में आपने क्या लोकेट करा है सेंटर ऑफ मास, हर एक जो भी अभी तक मैंने आपको बताया वो इसी तरह निकाला गया है, और ये इसका जो फॉर्मूला होगा कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ा हुआ उससे निकलता है। ये जो आपका सॉलिड कोन रहता है इसका सेंटर ऑफ मास h/4 पे होता है 0, h/4, मैं यहां लिख देता हूं दिस इज फॉर सॉलिड कोन, सॉलिड कोन सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा आपका h/4 पे, यानी कि जो इसका हाइट है, फॉर एग्जाम्पल जो कोन का हाइट है वो 12 मीटर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा 0.3, यानी 1/4 ऑफ इट्स हाइट। मान लीजिए यहाँ क्या होगा फिर 0.4, अगर हाइट आपका 12 ही है तो 0.4। तो ये कुछ बेसिक स्टैंडर्ड शेप थी, इसका बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों को बताए जाएंगे एग्जाम में, जितनी भी आपका ITJEE का एग्जाम हुआ, नीट हुआ, EMU का हुआ, या फिर किसी भी बोर्ड का एग्जाम में हुआ, आपके अगर क्वेश्चंस आएंगे तो इन्हीं फिगर के चारों तरफ ही घूमेंगे। अगर आपको सेंटर ऑफ मास का लोकेशन पता होगा मान लीजिए, तो क्या करता है एग्जाम में आपको बता दूं, ये होता क्या है कि मान लीजिए वो क्या कहता है कि आपने एक एक हेमिस्फेयर सॉलिड हेमिस्फेयर को क्या करा कोन के साथ मिक्स कर दिया, कोन बन गया, एक शेप ली आपने क्या करा दोनों को वेल्ड कर दिया, वेल्डिंग कर दी, नीचे आपने कोन को वेल्ड कर दिया हेमिस्फीयर के साथ, देख रहे हैं आप। अब बताइए सेंटर ऑफ मास क्या होगा, देखिए अब ये सेंटर ऑफ मास निकालना बहुत टिपिकल बन गया, अगर आपको इंडिविजुअल बॉडी का सेंटर ऑफ मास नहीं पता होगा तो आप नहीं लगा सकते उस फॉर्मूले को, बिकॉज वो फॉर्मूला जो एप्लीकेबल है वो पॉइंट मास के लिए होता है, समझ आ गया। ये जो एक्स इज इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं m1x1 m2x2, ये याद रखना कि पॉइंट मास के लिए ही अवेलेबल रहता है, मतलब आप लगा सकते हैं। तो अब बड़ी बड़ी बॉडीज हैं, हेवीली बॉडीज है, बहुत बड़ी बड़ी, अब उनका सेंटर ऑफ मास आपको पता है, सारी की सारी बॉडी का हम मास कहाँ कंसेंट्रेट कर सकते हैं, कहाँ मान सकते हैं, वी कैन अज्यूम होल द मास ऑफ अ बॉडी इज लाइंग ऑन इट सेंटर ऑफ मास। तो इस नीचे वाली बॉडी का सेंटर ऑफ मास आपको पता होगा, यानी सारा का सारा मास यहाँ कंसेंट्रेट है, इस वाली ऊपर वाली बॉडी का सारा मास पता होगा यहाँ कंसेंट्रेट है, यानी कि अब इस पूरी बॉडी को नहीं देखना, आपको क्या देखना है सिर्फ और सिर्फ इन दो पॉइंट्स को देखना है, इनका कोऑर्डिनेट मिल गया आपको सेंटर ऑफ मास का जो भी है, आप सीधे इस फॉर्मूले को लगाइए एंड यू विल गेट द आंसर। मैं आपको बताऊंगा, परेशान मत होइए, यहीं बैठा हूँ मैं, आपके लिए बैठा हूँ यहाँ पर, आपके लिए हेल्प ले बैठा हूँ, जितना हो सकता है मेरे से मैं आपकी हेल्प करूंगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच।